नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली गाइज एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि अनअकैडमी के जो यूज़र्स के जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो लीक हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस टाइप के जो डेटा हैं वो लीक हुए हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गई हैं, और जिन लोगों ने यहाँ पर लॉगिन किए हैं उनको क्या क्या एहतियात बरतना पड़ेगा, और अनअकैडमी ने इसके बिहाफ में क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपको इस तरह की ढेर सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज IBS, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी और भी ढेर सारी मटेरियल्स मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है IBS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडी। यहाँ पर मैं आपको डेली जो करंट अफेयर के हैं बुलेटिन्स वो डालता रहूँगा, और साथ ही साथ आपको मैं डेली के जो क्विजेस हैं वो डालता रहूँगा, ताकि आपको आपकी नॉलेज गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है IBS Academy, जहाँ पे आपको रिसेंट की जो न्यूज़ है उसकी अपडेट और उसकी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो गाइज हम वीडियो शुरू करते हैं कि यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर है, जहाँ पे एक आर्टिकल आया था। ये आर्टिकल कब का है गाइज? मई 8 का ये आर्टिकल है, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अनअकैडमी डेटा लीक्ड, नेम्स एंड पासवर्ड पुट ऑन सेल्स सिक्योरिटी फर्म। एक सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने ये कहा था कि अनअकैडमी के जो डेटा हैं वो लीक हो गए हैं, और जो डेटा जो नेम और पासवर्ड हैं इसके साथ साथ जो अदर डिटेल्स हैं वो भी सेल पे गए हैं। अब हम ये देखेंगे गाइस कि ये जो डेटा होते हैं वो सेल कहाँ होते हैं, और इन चीज़ों से क्या क्या ये सेल कहाँ होते हैं, और कौन इनको खरीदता है, और इससे क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है ये देखेंगे। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें ये कहा गया था कि अनअकैडमी सेज इज इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हैड फाउंड ईमेल डेटा अराउंड 11 मिलियन यूजर्स वॉज कॉम्प्रोमाइज। मतलब गाइस 11 मिलियन यूजर्स के आसपास के जितने भी ईमेल डेटा हैं वो सारे के सारे आप जो है वो हैक हो गए हैं, और साथ ही साथ ये जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं गाइस कि अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि अनअकैडमी है क्या। अनअकैडमी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट एम्स टू बिल्ड एन ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी फॉर मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। द बेंगलुरु बेस्ड प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय द गौरव मुंजल, रोमन सैनी एंड हिमेश सिंह। तो अनअकैडमी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको तरह तरह के आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, और जहाँ पे आप ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो। जिस चीज़ की भी तैयारी करनी है उस चीज़ का कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, अपने एजुकेटर खुद चुन सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्रोवाइड किया जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का। इसे स्टार्ट किसने किया था? गौरव मुंजल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह नाम के तीन व्यक्तियों ने इन्हें स्टार्ट किया था। करंट में गाइस अनअकैडमी की जो नेट वर्थ है वो $510 मिलियन की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यू $510 मिलियन है। और रिसेंटली फेसबुक ने फैब में $110 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अनअकैडमी के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब ये जो डेटा है सबसे पहले तो गाइस हम ये देखते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म से डेटा उठाते हैं, डेटा को हैक करते हैं, और उस डेटा को डार्क वेब करके एक प्लेटफॉर्म होता है, एक एरिया होता है, वहाँ पे वो उस डेटा को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये डार्क वेब होता क्या है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट आर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब गाइस कि जिसको एक कोडेड फॉर्म दिया जाता है वो होता है इनक्रिप्टेड। जिनका इनक्रिप्शन किया जाता है, जिनको एक कोडेड फॉर्म दिया जाता है, इसका एक सोर्स कोड होता है। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास उसका जो कोड होता है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए।
दैट कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द यूजिंग ऑर्डिनरी सर्च इंजन्स। ये ऐसा पार्ट है इंटरनेट का जो इनक्रिप्टेड होता है और वो ऑर्डिनरी सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये जो सर्च इंजन्स होते हैं ये सर्च इंजन्स पे फाउंड नहीं होता एंड दैट आर सम टाइम यूज्ड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये जो डार्क वेब है ये कभी कभी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम पूरी तरह से ये कह नहीं सकते गाइस कि ये हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज होता है, सम टाइम यूज फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटी गाइस। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि आपको एसबीआई के आपके प्लेटफॉर्म पे जाना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो आपने डाला www.sbi, ठीक है, आपने ये डाला, ठीक है। लेकिन एसबीआई में भी कुछ स्पेशल टारगेट जो स्पेशल वेबसाइट होते हैं, जो स्पेशल पेजेस होते हैं, वो स्लैश करके आगे कुछ और लिखा होता है और ये जाते हैं सीधा डार्क वेब पे, क्योंकि वो फुल्ली इंक्रिप्टेड होते हैं, इसमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली गाइस मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि जो डार्क वेब की वेबसाइट होती हैं वो डॉट ऑनियन से चालू होती है। अब दिमाग में ये आएगा गाइस कि ये ऑनियन ही क्यों, डार्क वेब एक इतना लार्ज और इतना बड़ा एरिया है, जिस तरह ऑनियन में परत दर परत खुलती जाती है और ऑनियन का विस्तार होता रहता है और वो हर परत पर एक नई चीज़ दिखती है आपको, तो उसी तरह डार्क वेब भी है, ये हर परत पे आपको एक नई चीज़ दिखाई देती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं गाइस कि जो हम जो पूरा इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल हो गया या याहू हो गया या जो भी हम सर्च इंजन यूज़ करके जो भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है, सिर्फ 4% है, ठीक है। उसके बाद डीप वेब आता है, डीप वेब, उसके बाद आता है आपका डार्क वेब, ठीक है। तो 96% एरिया डीप वेब और डार्क वेब ने कवर किया हुआ है, ठीक है। साइबर क्राइम एंड हैकिंग सर्विस हैव बीन ऑफर्ड फॉर सेल ओवर द डार्क वेब। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जो साइबर क्राइम और हैकिंग है वो सेल के लिए डार्क वेब पे ऑफर की जाती है, ठीक है गाइस। तो अब हम ये देखते हैं गाइस कि क्या क्या डेटा लीक हुए हैं। सबसे पहले तो गाइज हम ये इसके बारे में बात करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे बहुत सारे लोग अनअकैडमी पे ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो उन लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस प्रकार के जो डेटा हैं वो हैक हुए हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गई है। और बहुत सारे लोग ये भी सोच में हो गए होंगे कि ये जो डेटा हैक हुआ कैसे, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका डेटा कैसे हैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाइस ये बताता हूं कि ये जो अनअकैडमी है उसके अंदर जब कभी भी आप लॉगिन करते हो तो अनअकैडमी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, या तो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा या तो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है, या तो आप ईमेल आईडी डालो या तो आपको फ़ोन नंबर मांगेगा। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, आप OTP डालेंगे, आपका वेरीफाई होगा और आप लॉगिन कर लोगे। उसके बाद रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो सिटी मांगता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं इंडिया के, आपसे ना तो वो एड्रेस मांगता है, ना ही कोई आधार कार्ड नंबर, कोई भी डिटेल वो आपसे नहीं मांगता सिवाय ईमेल और फ़ोन नंबर के, ठीक है गाइस। तो ये जो ईमेल और फ़ोन नंबर है, अगर हैकर चाहे तो कहीं से भी वो निकाल सकता है, फेसबुक हो गया, अदर साइट से भी आपको निकाल सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हर पर्सन के पेजेस को ओपन करना पड़ेगा, उसके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हैक होना ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, कि अगर उनके सिस्टम में यहाँ तक अगर वो पहुँच सकता है तो आगे भी पहुँच सकता है, ये चिंता वाली बात होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब हम कहाँ पे थे गाइस कि जिसके अंदर जब आप अनअकैडमी के अंदर लॉगिन करते हो तो आपके अंदर रजिस्ट्रेशन मांगता है, जिसके अंदर आपका नाम, आप अपना नाम लिखते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ईमेल आपका आईडी मांगता है, या तो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, उस पर ओटीपी आएगी, आप ओटीपी डाल करके लॉगिन करेंगे और आपकी सिटी पूछेगा आपसे, आप भले आप सूरत में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या अहमदाबाद में रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, आप कहीं और सिटी भी डालेंगे तो भी इस प्लेटफॉर्म को, इस
इसके एप्लीकेशन को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल, ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर आपके जो इस हैकिंग में है वो गए हैं। अब अनअकैडमी क्या कहती है गाइस, कि अनअकैडमी ये कहती है कि किसी भी प्रकार का सेंसिटिव डेटा लीक नहीं हुआ है। अब सेंसिटिव डेटा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फैकल्टीज की डिटेल्स आती हैं। अब फैकल्टीज जो एजुकेटर होते हैं उनकी डिटेल्स आती है। अब उनको अगर वो पढ़ाएंगे तो उनको पेमेंट भी मिलेगी, तो उनके अंदर उनका बैंक अकाउंट नंबर और भी अदर डिटेल्स होती है। तो अनअकैडमी का ये कहना है कि कोई किसी भी प्रकार का सेंसिटिव डेटा लीक नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसको अदर साइट से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप अनअकैडमी के अंदर आप जाते हैं कि अनअकैडमी के अंदर अगर आप जाते हैं तो जैसे कि आपको कोई वीडियो डाउनलोड करनी हो गई या आपको कोई तो उसके अंदर अनअकैडमी सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगेगा, वो बोलेगा कि आप जो स्टोरेज का है वो परमिशन दो। क्योंकि अनअकैडमी के अंदर कैसा होता है गाइस कि आप वीडियो ऑफलाइन भी डाउनलोड करके देख सकते हो, तो उसमें आपकी जो स्टोरेज की है वो परमिशन उसे मांगेगा, वो भी कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कुछ टाइम बाद आपको वापस डाउनलोड करना पड़ता है उस वीडियो को। तो जैसे कि स्टार्टिंग में अभी हाल में एक और किस्सा हो रहा था कि न्यूज़ में आई थी चीज़ें कि जूम जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर डेटा लीक हो रहे हैं या जो भी, तो जूम आपसे आपके कैमरे का एक्सेस मांगता है और अदर कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगता है, जिससे आप अदर कॉन्टैक्ट्स के साथ जूम लिस्ट में आ जाओ। तो वो पूरा जो एक्सेस मांगता है उतना एक्सेस अनअकैडमी नहीं मांगता। तो अनअकैडमी की जो साइट है वो ज़्यादा सिक्योर है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपसे ज़्यादा डिटेल मांगी नहीं जाती। तो मेरा ये कहना है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गए हैं, तो चाहे तो वो हैकर आप कहीं से भी वो चीज़ ला सकता था। ठीक है गाइस, और ये भी कहा जा रहा है, ये न्यूज़ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डेटा है वो ऑलमोस्ट $2,000 में ही सिर्फ बिका है। तो इतनी कम अमाउंट में इतनी चीज़ें और किसी कंपनी की डेटा को हैक करना, आई डोंट थिंक कि ये एथिकल होगा। ठीक है गाइस, तो अब इसके बिहाफ में अनअकैडमी ने एक मेल पास किया था हर एक यूज़र को और हर एक एजुकेटर को। तो वो मेल की डिटेल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा यहाँ पे जो मुझे मेल आया था वो मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी ने बोला है कि आपको अनअकैडमी वी प्राइड आवर सेल्फ ऑन ट्रांसपेरेंसी कीपिंग आवर पोस्टेड अवर एवरीडे अपडेट। ठीक है, उन्होंने खुद ही इस चीज़ को कन्फर्म किया कि वी रिसेंटली फाउंड सम डेटा पार्टनिंग टू योर यूज़र बेसिक क्रेडेंशियल्स, मतलब जो बेसिक चीज़ है वो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि मेल आईडी और फ़ोन नंबर गया है, तो वो बेसिक चीज़ें हैं वही सिर्फ गई हैं। और उन्होंने बोला है कि वी वुड लाइक टू अश्योर दैट सेंसिटिव क्रेडेंशियल सच एज कार्ड और बैंक डिटेल्स एंड एड्रेस हैव नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये जो डिटेल्स है वो गई नहीं है। तो ये अनअकैडमी का सबको एक मेल आया था और उन्होंने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं इस मेल आईडी के अंदर। ठीक है, इस मेल के आईडी के अंदर बताया कि वो उन्होंने एक नया मेथड लेके आया, इंक्रिप्शन मेथड लेके आया है और नया एल्गोरिदम के साथ लेके आया है कि जो उनका जो पोर्टल है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया है। और एवरीवन और डिस्क्रिप्टेड और पासवर्ड, और जिसमें आपको एक पासवर्ड दिया जाता है और आप लॉगिन करते टाइम पासवर्ड डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अनअकैडमी फॉलोस ओटीपी बेस्ड लॉगिन सिस्टम। ठीक है, वो ओटीपी बेस्ड लॉगिन सिस्टम करता है और साथ ही साथ उसकी एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटीज आएंगी। तो व्हाट वी आर डूइंग, वो जो अनअकैडमी कर कह रही है उन्होंने मेल के अंदर साफ साफ लिख करके दे दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी है अनअकैडमी ने। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अनअकैडमी का डेटा लीक हो गया है और आपका डेटा सिक्योर नहीं है। तो अनअकैडमी इसके लिए बहुत ही कड़े कदम उठा रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर रही है, और वो जितने भी लूप होल्स हैं उनके सिक्योरिटी डेटा के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर उन सभी को भर रही है ताकि दोबारा कभी भी ऐसी गलती ना हो। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि इसमें आपको अदर जो स्टडी मटेरियल्स है वो मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि रिसेंट की जो न्यूज़ है उसकी अपडेट मिलती रहें और हमारे इंस्टा पेज को लाइक करना ना भूलें कि अगर जिसके अंदर आपको डेली के करंट अफेयर्स और उसके जो क्विजेस हैं वो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।